अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने अपने घरों में शादो आबाद रखे। देखिए जी, मौसम की सूरत हाल, बादल कितने ज़्यादा आए हुए हैं। पाकिस्तान का मौसम कदरे बेहतर है, लेकिन गर्मी उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसी मौसम की वजह से मैं बाज़ार गई और कुछ लेकर आई, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। एक छोटा सा चॉपर है, हैंड चॉपर जिसको कहते हैं। लेने के लिए तो मैं दूसरा गई थी, जो डोरी वाला होता है ना, अक्सर यूट्यूबर्स दिखाते रहते हैं, और कटिंग वगैरह प्याज की और टोमेटो वगैरह और चिलीज़ वगैरह सब करती हैं। तो मैंने कहा मैं वो लेके आऊँगी, लेकिन बाज़ार गई तो वो मुझे नहीं मिला, तो मुझे ये वाला मिल गया ना। ये साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके मुख्तलिफ जो हैं वो पार्ट्स हैं। वो जो डोरी वाला मैं आपको बता रही हूँ, उसके तो सिर्फ दो तीन पार्ट्स होते हैं और जल्दी उससे काम चल जाता है। मुझे ये पसंद नहीं था, मुझे वही लेना था, लेकिन वो उस शॉप पे था नहीं और बाज़ार में मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं घूम घूम के और उसको ढूंढती। तो ये लास्ट पीस था उसके पास, तो मेरे हस्बैंड ज़िद करते कि ये उससे बहुत बेहतर है, आप ये ले लो। ये देखें कि इसके तीन पीस हैं और ये देखें, मैंने इसको ट्राई कर दिया। ये इसके साथ एक बटन है, जहाँ से ये मैं बटन को ना दबाऊँगी तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, और उसके साथ ही फिर इसको बार बार पुश करने से और प्रेस करने से ये चलना शुरू कर देगा। अब ये देखें, ये इसके ब्लेड कितने शार्प हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें कोई चीज़ चॉप नहीं की, तो बच्चे कह रहे थे कि मामा कुछ ऐसा बना कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि ये चॉपर अच्छा है या नहीं। तो घर में ना वो कैबेज बंद गोभी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें इसमें समोसा या कचौरी वगैरह इस टाइप की कोई मैं चीज़ बना दूँ ताकि बच्चे भी खा लें और मुझे भी पता चल जाए कि ये सही काम करता है कि नहीं। ये देखें, इसका दूसरा पार्ट दिखा रही हूँ, जो मैं इसके साथ लस्सी भी बन सकती है, दही वगैरह फेंटा जा सकता है और अंडे को भी बीट किया जा सकता है, यानी कि बीटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि अंडे की फिर स्मेल जो है वो हर तरह से शुरू हो जाती है इसमें। अच्छा, ये देखें, मैंने इसमें ना ये कैबेज जो है मैंने इसको चॉप किया है और प्लेट मैंने रखी है देखें साइड पर, और ये देखें मैंने ऑनियन को चॉप करके ना तो रखा है बिल्कुल बारीक और इतनी अच्छी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, ये साथ साथ ना इसको चॉप वगैरह करके तो मैंने थोड़ा सा गोश्त बॉईल किया और उसको ना उसके रेशे करके उसको दो तीन स्पून मैंने ऑयल में ना गरम करके, यानी कि फ्राई सा कर दिया, और साथ मैंने अनियन डाल दिए और अनियन को दो तीन सौते करने के बाद, अनियन को सौते करने का मतलब मुझे खुद भी पहले समझ नहीं आता कि ये जो यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं ये क्या वर्ड्स होता है, तो उनका मतलब होता है कि अनियन और जो कैबेज वगैरह ये गोभी वगैरह होती है इसको थोड़ा सा नीम फ्राई सा करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा गले भी नहीं और थोड़ी क्रंची सी भी रहे। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को इस तरह मिक्स करके कुछ दो तीन मिनट फ्राई किया ताकि इनमें इनकी जो गज़ाइत है वो बरकरार रहे और इनकी शेप जो है वो भी उसी तरह कायम रहे। तो दो तीन मिनट में इसको फ्राई करूँगी, लेकिन याद रहे कि इसमें जो ऑयल है वो सिर्फ तीन टेबलस्पून डालना है, छोटे जो चम्मच हैं वो वाले डालने हैं, बड़ा ज़्यादा घी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि जो चीज़ें फ्राई होती हैं और ये जिनकी फिलिंग की जाती है उनके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं डलता। तो ये मैंने सारा कुछ कर लिया है और अब इसको मैं निकालूँगी एक बाउल में जो ये है मेरे पास ठंडा करने के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए और इसमें मैं बाकी चीज़ें डाल दूँ। ये मैंने बाउल में डाल तो दिया है, लेकिन काफ़ी देर जो है ना इसको मैंने रखा है बाउल में तो ये ठंडा नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने एक बड़ी सी स्टील की परात सी है उसमें मैंने डाल के इसको मैंने ना रूम टेम्परेचर पर रखा है और इसको ठंडा किया है, और इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला है और ये मायोनीज डाला है इसमें, और इसमें केचप डाला है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इसमें डाला था, वो मुझे स्किप हो गया, मुझे लगता है याद नहीं रहा, मुझे रिकॉर्ड करना नहीं रहा, वो इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ डाली थी, मेरे घर में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी वो भी डाल देती हूँ। और आप यकीन करें कि ये इतनी जूसी बनी थी ना, ये इसका जो अंदर वाला मिश्रण है वो इतना जूसी बना था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे इस चॉपर को चेक करते करते बना लूँगी। अच्छा, ये जो ठंडा हो जाएगा ना, इसमें मैंने वो मोज़रेला चीज़ वगैरह डाल के साइड पे रखा, और ये मैदा मैंने लिया 3 कप, और उसमें मैंने 2-3 चम्मच ऑयल के डाले, नमक डाला और थोड़ा सा ज़ीरा जो पिसा हुआ होता है वो डाला, और उसको मैंने गूंद लिया।
गूंद के मैंने उसकी छोटी सी रोटी बना ली, बिल्कुल पतली सी बारीक सी रोटी बना ली, और उस तरह करके ना तो एक मैदे का घोल बनाया उसको पैक करने के लिए, बंद करने के लिए। आप देख रहे हैं ना मैं साइड पे लगा रही हूँ, ये मैंने घोल बना लिया मैदे का, जो वो लई सी होती है वो बना लिया, और ये मैंने इसके अंदर ये फिलिंग कर दी। ये ठंडी फिलिंग करनी है, गर्म नहीं करनी, इसीलिए मैंने परात में इसको रखा हुआ है। और मुझे आता नहीं था, लेकिन ये देखें मैं उसको ना जहाँ जहाँ मैंने वो आटे की लई सील बनाई थी वो मैंने उसी तरह इसको पैक करती जा रही हूँ, और वो फूल सा बनता जा रहा है। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें ये पूरा एक एक जो कचौरी जो होती है वो तैयार हो गई, जो बाज़ार में मिलती हैं उनसे कहीं गुना बेहतर थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी अच्छी बना लूँगी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी और बहुत ज़्यादा जूसी बनी थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये चीज़ें मैंने ही बनाई हैं, बहुत ज़्यादा जूसी थी, और जो चीज़ डाला था उसमें तो ये और ही मज़े की बन गई थी। और जो बाकी थोड़ी सी इसमें बच गई थी ना, वो मैदा बच गया था, उसके मैंने रोल बना लिए, दो अलग अलग चीज़ें मैंने बना ली। और रोल के साथ साथ ना आप अगर समोसा वगैरह में फिलिंग करना चाहते हैं, किसी और एक्स्ट्रा कुछ शेप दे के वो फिलिंग करना चाहते हैं ना, तो वो इससे वो भी बन सकता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ बनी थी। तो मेरा दिल चाहता है कि आप लोग भी ट्राई करें इसको, बहुत जूसी और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। ये देख रहे हैं, और लाइट सी मैंने किया ना आँच जो थी ना मैंने स्टोव की, बिल्कुल हल्की आँच पे इसको फ्राई किया था, ताकि ये अंदर तक ना ये हो जाए, ठीक हो जाए, मतलब इनकी जो कलर है वो ठीक हो जाए। ये देखें आप, आपको समझ भी आ रहा है। और साथ साथ मैंने सालन भी रखा हुआ था, क्योंकि कुछ बच्चों में बच्चे ऐसे होते हैं चाहे कितनी अच्छी चीज़ भी बन जाए तो वो कहते हैं कि नहीं जी हमें तो साथ सालन और रोटी लाजमी चाहिए, और मेरा हसन उस पर से एक है, जो चाहे जो चीज़ भी बनी हुई होगी ना तो वो ज़्यादा वो देखेगा कि बना हुआ क्या है मामा आज। तो ये आप देख रहे हैं मैंने बना ली है, ये कचौरियाँ तो मेरे से बन गई हैं, और साथ अब मैं ना आपको एक रोल बना के दिखाऊंगी। कचौरियाँ ज़्यादा बनी थी, ये मैंने रिकॉर्डिंग जो है ना वो सिर्फ 3-4 की है, और उसके बाद अभी मैं आपको बताती हूँ। वो मैंने रोल का जो है ना बनाना वो मैंने शायद रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी हूँ, लेकिन आप देखिएगा कि ये रोल भी बने हैं, और रोल कचौरी मैं तो कहती हूँ कचौरी रोल से ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और रोल कचौरी से ज़्यादा अच्छे, क्योंकि जो मिश्रण था उसका अंदर जो जो सारी चीज़ें थी वो इतनी अच्छी थी, मटेरियल उनका इतना अच्छा था, इतना जूसी था, खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। ओके जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, मिलेंगे फिर किसी व्लॉग में आइंदा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।